والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام با آواز بلند پڑھ لو. الصلاة والسلام علیک. ڈٹھے ورق قرآن دے ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہو اور بٹھا کوئی بشر رکھے تے کوئی اوے نور آکھے ہر پاسے پیندا ایو اے شور بٹھا پر اللہ والے مکتی گل مکا چھڑی اوے تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا اللہ گل مکا چھڑی اوے تساں ہور
ਡਿੱਠਾ ਅਸ਼ਾਂ ਹੋਰ ਡਿੱਠਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ करीम आका अलैहि सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर दुरूद सलाम दा नजराना पेश करन तो बाद फाजिल शहीद अखी कबीर मुजाहिद अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी साजिद महमूद नक्शबंदी साहिब दामत बरकातहू लालिया और बरादर मुकर्रम काशिक़े रसूल फिदाए औलादे बतूल मुहतरमुल मकाम जनाबे भाई मोहम्मद फैसल साहेब जामे मस्जिद दे इंतजामिया दे बुजुर्ग नौजवान साथियों ने बड़ा इसरार फरमाया और मैं हुजूर दे गुलामा दी जियारत वास्ते हाजिर हाँ। अगरचे मेरे करीबी दोस्त बड़े अच्छे तरीके नाल जानते हैं कि कोई भी इवेंट होवे कोई भी ऐसा दिन दिहाड़ होवे मैं अपने इदारे तो बाहर नाल दी गली च भी नहीं जाता। लेकिन किबला कारी साहब का हुक्म इतना डाढ़ा सी और प्यार उस तो भी सख्त सी कि मैं इनकार ना कर सकिया। चाहे मैं चंद लम्हात की जिम्मेदारी उठाई मगर मैं उठाई जरूर। दुआ यह है कि अल्लाह करीम हक बयान करन दी हक सुनन दी जानिबैन नूं अल्लाह उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। अज दी ए बाबरकत और मगफरतां भरी रात रहमतां भरी रात के लैलतुल कद्र के जिदे बारे सिहाबी रसूल हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमांदे ने कि ऐ मेरे महबूब दा कलमा पढ़न वाले मैनू यकीन है कि 26 रमजान मुबारक और 27 दी रात ही लैलतुल कद्र है। यही कदर वाली है। इस मस्जिद च रह के वतने अजीज पाकिस्तान के अजीम खतीब बरादर मुकर्रम हजरत खतीब पाकिस्तान सुनते रहते हो। मैं तो चूंकि एक तालिब इलम हाँ और तालिब इलम होने की हैसियत नाल हाजिर हाँ। मैं जेड़ी आया मुबारका पढ़िए इस सूरतुल बकरा दी पहली आयत फरमाया अलिफ लाम मीम मेरे ते तुहाडे करीम आका अलैहि सलातु वस्सलाम दी जाते पाक हुजूर तशरीफ फरमा दे तो जबरील अमीन मेरे आका की बारगाह विच हाजिर हो गए। अर्ज की थी आका अल्लाह दा सलाम भी ले आया ते उदा पैगाम भी ले आया। मेरे आका ने फरमाया पैगाम केड़ा है? अर्ज की थी आका पैगाम है वे के अलिफ लाम मीम। नहीं मैं बुजुर्गों नु नहीं कहना जेड़े नौजवान बैठो तुसीं कह दो जरा सारे सुभान अल्लाह। रमदान उल मुबारक के अंदर रिपीट बस कटा दे नेकियां दी सेल लगी है। साड़ी कौम दा ध्यान बाकी सेल अल है जुतियां दी सेल अल कपड़े दी सेल अल राशन दी सेल अल बर्तना दी सेल अल कुछ नेकियां दी सेल अल भी ध्यान करो। सेल की लगी है 11 महीने 11 महीने अगर तुसी एक बारी सुभान अल्लाह कहो ना ते 90 नेकियां मिलदियां ने। लेकिन रमदान मुबारक के अंदर अगर तुसी सुभान अल्लाह एक बारी कहोगे 630 नेकियां मिलनगियां। ऐसे लगे
तो जनाबे जबरील अमीन ने अर्ज की थी आका अलिफ लाम मीम। पहले मेरे आका ने सुनिया, फिर हुजूर मुस्कुराता है। जिथे आका दे मुस्कुरान दी बात आए उथे मुस्कुरा के क्या करो, सुभान अल्लाह। ए मुहद्दिसीन दी आदत रही है, जदों हदीस पाक पढ़ांदे सन जिथे आका दे मुस्कुरान दी बात आ जांदी थी उथे मुस्कुरांदे सन, मेरे आका मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया जिब्रील अलिफ लाम मीम जी आका। फरमाया जाओ मैं समझ गया, मैं समझ गया। जबरील अमीन गए नहीं, उथे रह गए। अर्ज की आका अगर इजाजत दो तो मैं अर्ज करा। मेरे आका फरमाया बोलो। अर्ज की सोनिया भेजन वाला रब्बे जलील है, लेके आन वाला जबरील है, तो सोनिया जिदे वाल आया वो रब दा हबीब है। आका लेके मैं आया, मैनू समझ नहीं आई, लैके मैं आया ते मैनू समझ नहीं आई। और आप फरमांदे हो कि जाओ मैं समझ गया। मेरे आका ने फरमाया जबरील के अलिफ लाम मीम दे अंदर अल्लाह और ओदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरमियान एक राज है। बोलो की है जी, उच्चा बोले करो की है। एक राज है, निजाम में कुदरत मुस्कुरा पाया। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील तू उस राज नू नहीं जानता। फरमाया जिब्रील उस राज नू या खुदा जानता या मदीने दा ताजदार जानता। चाहिदा देसी के जिब्रील अमीन अर्ज कर दे आका मैं एक लख कई हजार नबिया दे कोल वही लैके आने वाला। आका मैनू भी समझ नहीं आई। मेरे आका ने जबरील अमीन ने आने वाली उम्मत नू दसिया कि खुदा दी कसम है जिस गल दा जबरील नू भी नहीं ना पता उस गल दा आमिना दे लाल नू जरूर पता है। तो अल्लाह ने फरमाया जबरील ये मेरे और मेरे महबूब के दरमियान एक राज है। दुनियादार अपने यार दा राज किसे नू नहीं देंदा। सीधे हो जो जरा गोडियां तो हाथ लाओ यार, मेहरबानी। मेरे बुजुर्गों ने नहीं कहा, मेरे बुजुर्ग जिवें मर्जी बैठन। दुनियादार अपने यार दा राज किसे नू नहीं देंदा। सज्जन सज्जन दा राज नहीं देंदा, यार यार दा राज नहीं देंदा। ईमानदारी दे नाल दसो अल्लाह फरमांदा है यार यार दा राज ते देंदा नहीं, ते मेरे महबूब जा ते महबूब भी किसे दा नहीं, मैं अपने हबीब दा राज किवें किसे नू दे दियां। पर मैं अपने महबूब दा राज जनाबे वाली अल्लाह करीम ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया दैनिकल किताब। अजी मैं शेर सुन के नहीं, तुसी कंधा च वजदे फिरदे हुंदे, इंज कुरान सुन के भी बोलिया करो। गैरां नूं पता लगे, सुनियां नूं कुरान दी समझ भी आउंदी है। हजरात तो जनाबे वाली अल्लाह करीम ने कुरान पाक के अंदर फरमाया फरमाया दैनिकल किताब। जितना कुरान नाल प्यार है उतने दौक नाल बड़ा सुभान अल्लाह कहना। मैं दोबारा जनाबे वाली कुरान की आयत पढ़न लगा फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताब महबूब की वो किताब है ला रैब फीह जिदे विच ना शक ना
शुभ ईमानदारी दे नाल दसिया जे यार मेरे रब ने जेड़ा कलाम अपने हबीब ते नाजल कीता है ओदे विच ते उन्हें शक रहन कोई नहीं दिता ओ किते कलाम विच शक कोई नहीं उन्हें मुहम्मद दी जात विच किथे शक रहन शब्द मत जबरा चुके मेरा भी नारा रिसाल हसीना जमीला दा मुख मोड़ दिता हसीना जमीला दा मुख मोड़ दिता रब ने मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता बाल मेरा भी तो मैं चुके नारा रिसाल नारा तहकी नारा गौसिया हजरात तो जना बेवाली मैं बार तरफ कर रही हूं अल्लाह करीम ने जड़ी किताब कुरान अपने महबूब ते नाजल फरमाई खुदा दी कसम उठा के कहना उस किताब विच ते उन्हें शक रहन कोई नहीं दिता उस किताब दे अंदर उन्हें शुभ कोई नहीं रहन दिता अल्लाह दी इज्जत दी कसम ओ जिस मालिक ने कुरान शक कोई नहीं रहन दिता उन्हें अपने हबीब की जात विच भी शक कोई नहीं रहन दिता उन्हें अपने महबूब की जात के अंदर केड़ा जनाबे वाली शक रहन दिता उन्हें आओ तरा सुनिया जे जनाब जबूर भी कलाम अल्लाह दा तौरात भी कलाम अल्लाह दा इंजील भी कलाम अल्लाह दा कुरान भी कलाम अल्लाह दा लेकिन सब तो ज्यादा मकाम कुरान दा है सब तो ज्यादा शान कुरान दी है अरज की या अल्लाह तौरात भी तेरा ही कलाम है जबूर भी तेरा ही कलाम है इंजील भी तेरा ही कलाम है कुरान भी तेरा ही कलाम है पर मेरे अल्लाह कुरान का मकाम ज्यादा क्यों है कुरान की शान ज्यादा क्यों है आवाज आई चलिया मैं कुरान भेजन वाले मन नहीं देख रहा मैं कुरान लैन वाले मन देख रहा पर मैं कुरान भेजन वाले नहीं पे वेखदा के भेजिया किन्ने बाकी किताबा भी कलाम अल्लाह दा ही है बाकी किताबा भी कलाम किदा है अल्लाह दा लेकिन कुरान दा मकाम ज्यादा है फरमाया तेनू पता नहीं एदी निस्बत मेरे हबीब दे नाल है एदी निस्बत मेरे हबीब दे नाल है खुदा दी कसम उठा के कहना किताबा विच कुरान जई किताब कोई नहीं गूंगा बंदा नहीं बोल सकेगा बाकी जवाब देंगे नलाइने मुस्तफा दी कसम है सारिया उम्मतां विच साडे जई उम्मत कोई नहीं सारिया उम्मतां दे अंदर जनाबे वाली साडे जई उम्मत कोई नहीं कुराने पाक एक ऐसी किताब है जबूर अगे सवाल होया वो जवाब नहीं दे सके तौरात अगे सवाल होया वो जवाब नहीं दे सके
इंजील भी जवाब नहीं दे सकी, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिन्हें हमेशा अपने उत्ते कीते सवाल दा जवाब आप दिता है। जवाब दा आप दिता। इमाम यूसुफ आप ना खलीफा हारून रशीद मियां बीवी का आपस में झगड़ा हो गया, झगड़ा होया ते खलीफा हारून रशीद अपनी बीवी नूं कहन लगा जा मेरे को लौट के चली जा, तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उस तो पहले खलीफा हारून रशीद की बीवी बोल बैठी थी, उन्हें क्या तू है ही जन्मी है, मैं तेरे को बह के की करना है। बीबियां कदों बोलन लगे सा लेंदियां ने, ए ते ए रह गई ना, तुसी उस बेगैरत नू वेख लो, उस बेगैरत नू वेख लो। ते चलो घर का झगड़ा सी ना, एक अलग गल है, उस बेगैरत औरत नू वेख लो जिन्हें फैसलाबाद की पलीद और उस शैतान की चेली ने जेड़ा नबूवत का दावा किया है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना, मेरा कमली वाला ते होवे कि जिदी उम्मत च शामिल होने वास्ते नबी रब दियां मिन्नतां करदे गए ने, मेरे करीम अकाली सलातो सलाम ने फरमाया, फरमाया अगर मेरे तो बाद कोई नबी होंदा ते उमर होंदा, मैं कहना बेईमान जे उमर जे नबी नहीं हो सकया ते तेरे जे पलीद औरत। लेकिन अफसोस नाल कहन लगा कोई नाराज हो जाए मैनू परवाह नहीं, आखिर वजह की है, ये इतने मामला साढ़े पाकिस्तान च क्यों ज्यादा होंदे ने, इत्थे लोग बकवास क्यों करदे ने, इस वास्ते कि कानून की बाला दस्ती कोई नहीं, इत्थे चोर नूं ते तहफ्फुज है, इत्थे शराब पीने वाले और बेचन वाले नूं ते तहफ्फुज है, इत्थे जनाबे वाली डाकू नूं कब्जा माफिया नाल ते ताल्लुक कानून दे नाल है, लेकिन गुस्ताखे रसूल आ जाए मेरे आका दी शान कोई गुस्ताखी करे। लोग अफसोस नूं कहन लगा जो किरदार अदा हजूर दे गुलामां नूं करना चाहिदा सी, उस लईन और पलीद दे मामलात तो बाद ये कौम किरदार अदा कर नहीं सकी। राह विच जांदियां इस कौम दे किसे बंदे दे कपड़ियां ते छिट पै जाए ना, अगले दियां नसलां पुन के रख दिंदे ने। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀਉਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ ਪਹਾੜ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਲੈਨਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਉੜਾ ਕੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਲੇਜਿਆਂ 'ਚ ਠੰਡ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਤਾਇਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਖੁੱਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਲੈਨਾ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੜਿਆ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ
इमामत का इनकार तूने किया, लानत भेज रहा उस कुत्ती पर, इमामत का इनकार तूने किया, तेरे जैसे हर मुक्तदी पर लानत, ये फरूकी कहता रहेगा हमेशा, तेरे जैसे हर आदमी पर हो लानत, कभी भी कोई कुत्ता भी ऐसा ना देखा जो मालक की औलाद पर भौंकते हो, ये सच है कि तुझसे वो कुत्ता बेहतर है, ऐसे इंसान तेरी जिंदगी पर लानत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। खलीफा हारून रशीद की बीवी ने किया कि तू जन्मी है, खलीफा कहने लगा जे मैं जन्मी है ना तो फिर तेनू तलाक है, सुन दे पे तेनू, दोवां दी लड़ाई ठंडी हुई ते पता लग गया कि एक ही कर बैठे हैं, सारे उलमा नू इकट्ठा किया लेकिन एदा कोई हल ना कढ सकिया। इमाम यूसुफ उधरों अपने घर आए सन, पढ़ के ना मदरसे फारग होके, अज भी बच्चों की दस्तारे फजीलत होनी है, नहीं इन्हों की बारी सुभान अल्लाह ना क्या जाए, हाँ जी पढ़ के घर आए सन, ते आके अम्मा नू कहन लगे अम्मा जी की पक्का है, उन्हें क्या जेडे जरदे ते पुला दे पैसे दे गया सन वो मैं चढ़िया खा ले जाके। आप बड़े परेशान हुए, परेशानी के आलम घरों बाहर निकले तो एक बंदा गली दे विच मकान पे बनांदा सी, तो गली की जगह भी विच पाई आउंदिया सी, यह भी लोगों को आदत होती है, जिदा अपने ते नहीं गुजारा वो अगली फुट ते कर लवे गुजारा जी, और जेडे वेले आपने फरमाया बेईमाना वाला काम ना कर, उन्हें क्या की होया, क्या अपनी जगह ते जगह बना, उन्हें क्या तू जेडे सोने दे लद्दे ऊंट इथों लंघाने ने ना जो लियाएगा ना तो मैं मकान भी पिछा कर लंगा। ख्याल आया अम्मा नु आख्या रोटी दे, ओ आंदी है तू जेड़े दर्दे पुला दे पैसे दे के आता है, इनू आख्या जगह पिछा कर, ये आंदा है सोने दे लद्दे ऊंट तू जो लैके आएगा तो मैं पिछा भी कर लंगा। इधरों ये रौला पिया, उधर आपने बगदाद वेख्या कि लोग बड़े परेशान ने पूछया खैर है, उन्हें आख्या खलीफा की तो बीवी की लड़ाई हुई है, तो उन्हें आख्या तू जन्मी है, उन्हें आख्या जे मैं जन्मी हाँ तो तेनू तलाक है, तो सारे मौलवी रल के बैठे ने मसला नहीं प्याल होंदा। इमाम साहब फरमान लगे एक बारी मैनू लै जाओ, मैं भी मदीने वाले दे गुलाम हाँ, मैं भी मदीने वाले का गुलाम हाँ, जेड़े वेले जनाबे वाली खलीफा दे कोल लैके गए, आपने फरमा मैनू ये दस कादा रौला है, खलीफा कहन लगा इन्हें मैनू आख्या जहन्नमी है, मैं इनू क्या जा तेनू तलाक है, हुण मैनू ख्याल आ गया है मैनू तलाक नहीं सी देनी चाहिदी। इमाम यूसुफ फरमान लगे खलीफा परेशान ना हो, इनू तलाक उदो होवेगी जद तू जहन्नमी साबत होएगा, जद तू जहन्नमी होएगा उदो इनू तलाक होएगी। खलीफा हारून रशीद कहन लगा मैनू ये दस ये किवें साबत होएगा, कौन साबत करेगा ते किवें साबत करेगा कि मैं जहन्नमी है हुआ या नहीं। आपने फरमाया फरमा खलीफा परेशान ना हो, साबत करन वास्ते अल्लाह का कुरान भी है, मदीने वाले का फरमान भी है, मुहम्मद का गुलाम भी है। वे परेशान ना, तू परेशान ना हो, मैं साबित करना। एक बार जरा सारे उच्चा कह दो सुभान अल्लाह। आके खलीफा तेनू इन्हें की किया, उन्हें कहा जी मैनू बीवी आंदी सी तू जन्मी है, बड़े गौर नाल सुनिया जे, आपने फरमाया बादशाह मैनू यह दस कदी गुनाह करन लगियां रब दा डर आया हो, नहीं नहीं मैं तुहानू नहीं पूछा यार, वो बादशाह की गल आउंदे सी, ये तो कौम उंजी डट गई है ना, इहदी कीड़ी गल है, ये तो डट गया ने अल्लाह के भी डट गया ने कि तुम्हें मामलाती हो, फिर गौर नाल सुन लो, आख्या बादशाह अगर कदी गुनाह करन लगिया गलती करन लगिया डर आ गया हो कि मेरा रब पिया वेंदा है,
बादशाह चुप किया, फिर बोलिया उन्हें क्या, हां एक बारी मैं गुनाह दे उत्ते कादर हो गया सा, मैं गुनाह कर सकना सा, लेकिन मैनू डर आ गया कि मेरा रब पिया वेखदा है, अगर जुमले की समझ आ जाए ना तो फिर बोल देना। फरमाया जे तू डर गया सा ना अल्लाह को तो फिर तू जन्मी है ही नहीं। नहीं मैं अल्लाह का कुरान पढ़ देना, जनाबे वाली आपने फरमाया कदी मैनू ये दस कदी रब को डर आया होवे, उन्हें क्या एक बारी मैं गुनाह करन लगा, एक बार मैं गलती करन लगा, मैनू डर आ गया, मेरा रब पिया वेख दे, मेरा मालक पिया वेख दे, आंदा मैं उत्थे गुनाह छोड़ दिता, गलती छोड़ दिती, अल्लाह दे डर तो मैं पिछा हो गया। इमाम साहब ने कुरान पढ़िया, फरमाया कुरान के अंदर वह मन खाफ मकाम रब्बी वनगा नफ्स अन गवाय, फरमा एक भी आंदा वह मन खाफ मकाम रब्बी जन्नत, फरमा अल्लाह फरमांदा है जेड़ा मेरे कोलो डर जाए, जेड़ा मेरे खौफ तो कंप जाए, ओनू मैं एक नहीं दो जन्नतां अता करांगा। फरमाया बादशाह तू डर गया इस वास्ते, तू जहन्नमी नहीं, तू जहन्नमी नहीं, बीवी नू तलाक नहीं, ओनू तलाक नहीं, तुहाडी लड़ाई खत्म हो गई है। खलीफा तख्त तो उठिया, इमाम साहब नू बिठाया, कहन लगा लोगों एदे वास्ते खजाने आते दरवाजे खोल दियो, जेड़े मेरे खजाने आते दरवाजे खुले, ऊठां दे उत्ते सोना लदिया। इमाम साहब सोना लद के अपनी गली विच वड़े, ओ जेड़ा मकान पिया बणांदा सी, फरमाया बेईमाना मकान पिछे कर रहे, मैं ऊठ सोने दे लद्दे लै आया, मैं लै आया, मैं लै आया। उन्हें आखिया इमाम साहब ए सोने दे लद्दे ऊठ किन्ने ला के दित्ते जे, फरमाया ना बादशाह ने दित्ते ने, ना अमीर ने दित्ते ने, ना वजीर ने दित्ते ने, ए ऊठ सोने दे लद्दे मैनू सिर्फ मेरे अल्लाह दे कुरान ने दित्ते ने। ये अल्लाह दे कुरान ने दित्ते ने। कुरान पाक पढ़ने वाले कभी भी अपने आप को घाटे च ना समझना, घाटे च होई जे जेड़ा तुहानू घाटे च समझदा। जिन्हों नहीं समझ आई उन्हें बोलो, बाकी बोल दो तरफ कह दो सुभान अल्लाह। कर साहब घाटे च होइए जेड़ा कुरान पढ़ने वाले नु घाटे च समझदा। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहना, हजरत अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला अन्हु, बेटे तवज्जो करो मेरे वाले, ऐसी तक सीधा करे मेरे भाई, अबू मूसा अशारी रजी अल्लाह तआला, तवज्जो है मेरे वाल जी, जल्दी मैनू होनी चाहिए, तुम किसे जे खब्बे वेंदे हो यार, तुम तवज्जो करो मेरे वाल, मैं तुम्हारी ज़ियारत वास्ते आया। आप पिछली रात कुरान पे पढ़ रहे, सहाबी रसूल है, इधर मेरे वाल वेखना, पिछली रात का टाइम कुरान पे पढ़न अपने घर बह के, तो मेरे आका का गुजर होया अबू मूसा अशरी के मकान की खिड़की के अगों, जनाबे वाली जड़े वेले मेरे करीम आका का गुजर होया, हजरत अबू मूसा शरीफ कुरान पे पढ़ते ने, मेरे करीम आका गुजरदिया गुजरदिया सरकार दे कदम रुक गए, मेरे आका अबू मूसा शरीफ दा कुरान पे सुनते ने सारी रात, मेरे करीम आका अबू मूसा शरीफ दे मकान दी कन ला के कमली वाला कुरान सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। उधरों हजरत बिलाल ने अदान पड़ी, मेरे आका वापिस चले, एक सिहाबी ने देख लिया आका वापिस चले गए, सिहाबी दौड़े दौड़े आए अबू मूसा शरीफ दे मकान का दरवाजा खटखटाया, फरमाया पीर पाया पारा पारा, आखिया खैर, आखिया पीर भाइया अंदर की पिया करना से।
ओ महबूब तेरे मकान दी खिड़की दे नाल कन ला के सरकार खड़े सन। एक बार फिर रखा दे सुभान अल्लाह। मेरे आका दे गुलामो हजरत अबू मूसा अशरी दी चीखां निकल गईयां। महबूब जी के दरवाजे तो होके तो पिछा टुर गए जनाबे वाली जड़े वाले आप दिया चीखा निकल गई। आप फरमाते ने हिजर महीदा हिजर महीदा ए जे पानी पता चलिया मेरे आका मेरे मकान दी खिड़की दे नाल कन ला के कुरान सुन दे रहे जामिया मस्जिद बहारे मदीना विच बैठन वाले हो अज मेरे कोल नुस्खा ला जाना। मेरे आका ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती कुरान हिंदुस्तान च पढ़े या इंग्लिस्तान च पढ़े या अफगानिस्तान च पढ़े या पाकिस्तान च पढ़े कितने भी कुरान इखलास नाल पढ़ेगा कुरान पढ़ना ओदा काम है। ओदे मकान दी खिड़की दे नाल कन ला के कुरान सुनना मुहम्मद दा काम है। नारे तकबीर नारे रिसाल नारे हैदरी नारे रोसिया। एक बारी फिर मारो नारे रिसालत। नहीं 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 सिर्फ वो आखो या रसूल अल्लाह जेड़ा या रसूल अल्लाह दा मनन वाला बाकी उन कदों आख्या नारे रिसालत नारे रिसालत। मेरे करीम आका ने फरमाया मैं कुरान कन न ला के और खुदा दी कसम है मेरे आका नु अपनी उम्मत दा ख्याल कितना मेराज तवज्जो है दोस्तों मेरे वल मेराज दी रात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब दी बारगाह च अर्ज़ कीती या अल्लाह मैं ते तेरे नाल गल्लां करके टुर चलिया ते जेड़े मेरे कलमा पढ़न वाले ने इन्हां चो किसे दा दिल करे तेरे नाल गल्लां करन ते या अल्लाह वह कर सकदा कोई है तरीका। अल्लाह ने फरमाया महबूब बड़ा ही सौखा है कोई इरादा रब नाल गल्लां करन दा। चलो बुजुर्गों ने नहीं मैं कहना वो तो इन्हों का कई जेड़े नौजवान का है इरादा हाथ खड़ा करें इधर नहीं इधर एक मिनट हाथ खड़ा करें तो मैं वेखा कि रब नाल हाय 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 इस कौम के नौजवानों की तुम हालात वेखो आ टेक छड़ के यार बाग खड़ी करे जे फिर हाथ खड़ा करे जे यार वो डरते क्यों वो डर कि शायद है तुम डरे तो जरा लवारस है जिदा वारस मदीने का ताजदार है हाथ थले कर लो बड़ी मेहरबानी। कई पता नहीं की करना सूर है किवें गल करा लगा साड़ी रब नाल ये शुभा पै गया सुनो कि सौखा काम है। मोबाइल कभी मैं पूछदा ना मोबाइल ते किस किस गल करनी है ते जनाबे वाली दोवें की चार चार बाहां खड़िया हुई होंदियां। मेरे करीम आका ने रब की बारगाह चरज की थी या अल्लाह जे मेरे किसी उम्मती का दिल करे तेरे नाल गल करन वास्ते तो की करें जनाबे वाली अल्लाह ने फरमाया महबूब जा के उम्मत विच ऐलान कर दे। तवज्जो है दोस्तों मेरे वाले जा के महबूबा उम्मत के अंदर ऐलान फरमा दियो जेड़ा बंदा रब दे नाल गल्लां करना चाहंदे ओ कुरान खोल के बैठ जाए कुरान पढ़ी आवे समझे रब मेरे नाल ते मैं रब दे नाल पिया गल्ला करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया रब मेरे नाल ते मैं रब दे नाल पिया गल्ला करना ये कुराने पाक दी शान है। कुराने पाक ते जिन्ने सवाल किया उदा जवाब इन्हें आप दिता। इमाम अहमद बिन हंबल का दौर सी एक बंदे की उम्र 70-80 साल हो गई औलाद कोई नहीं सी
औलाद कोई नहीं सी। तुहाडे जैसे किसे आशक नूं मिलिया, उन्हें कहा यार बेलिया सारा कुछ है कोल लेकिन औलाद कोई नहीं। उन्हें किसे आख्या कि जा अल्लाह दे वली इमाम अहमद बिन हंबल दे दरवाजे ते जा। उन्हें कहा यार तुर भी जावां ते उम्र ही 70-80 साल हो गई है ते हुण औलाद पैदा करन दा किहड़ा वक्त रह गया। उन्हें कहा तू चला हो गया, तू मोहताज है, वो जात उम्रां दी मोहताज नहीं हो, वो जात उम्र दी मोहताज नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल दे दरवाजे ते गया, दरवाजे ते दस्तक दी, आप बाहर आए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेलिया किधर आया? जी हजूर दुआ कराना है। फरमाया का दी? जी औलाद दी। ए जुमला जरा गौर न सुनना, जी औलाद दी दुआ कराना है। आपने फरमाया धी चाहिए या के पुत्र? मैनू इन्ने ही बड़े ने ये अकल वालों वास्ते जुमला ही नहीं से, इश्क वाले वास्ते जुमला से। किबला करी साहब आपने इमाम मोहम्मद बिन हंबल फरमान लगे धी चाहिए या के पुत्र? मैं पूछया हुजूर एडा वड्डा दावा के पुत्र चाहिए के धी चाहिए? आपने फरमाया सियालवी मैं कोई अपनी जात ते मान करके दावा नहीं पिया करदा, मैं जदों दी होश संभाली है ना, या मैं अल्लाह दा कुरान पढ़िया या मैं मदीने वाले दा फरमान पढ़िया, ते मैं ओदे कोल मंगिया कुछ भी नहीं, ते मैनूं यकीन है जे मैं अज कुछ मंग लवांगा ते कुरान दा सदका मैनूं खाली नहीं मोड़ेगा। फरमाया बोल की चाहिए? ती चाहिए या के पुत्र? वो अगो बंदा इतना उतावला भी नहीं सी, उन्हें करके हाथ जोड़े अर्ज की थी बस हजूर आप दुआ फरमाओ अल्लाह ती दवे ता कबूल है जी, अल्लाह पुत्र द पुत्र दवे ता कबूल है। फरमाया जा खैर होवेगी। वक्त गुजरिया, वो भी दिन आया जब अल्लाह ने ती दी सूरत ओदी चोली दे अंदर रहमत रख दी। तीदे सिर दे वाला चाक पिया फेरे झोली च लिटा के ते वादा कीता उस रब नाल, आंदा या अल्लाह मेरा तेरे नाल वादा, मैं कसम उठा के कहना ये जदों जवान हो जाएगी तेनू टोरन दा टाइम आएगा ना ते हर नियामत मैं दे के टोरांगा हर नियामत। आवाज आई एडा दावा ना कर। वतिलकल अय्यामु नुताविलुहा बैनन नास, दिन फिरदे रहिंदे ने कदी चंगे ते कदी इंज ना कर। आखर उन्हें एक कसम खा ली, वक्त गुजरिया बेटी जवान हुई, टोरन दा टाइम आया ते दिन बदल गए, ना कारोबार रह गया, ना घर रह गया, ना जर रह गया, ना वर रह गया, सिर ते हाथ रख के बैठा सी, फिर पुराना बेली मिल पिया। उन्हें क्या मैं तेनू उदों जदों मिलिया सा उदों भी परेशान है, अज भी परेशान है। उन्हें दसिया कि मैं कसम खा बैठा कि मैं तीनू हर नियमत देख के टोरांगा, हुण टोरन दा टाइम आया ते देण वास्ते कोल कुछ रिहा ही नहीं। उन्हें क्या परेशान ना हो, अज भी उसे ही हस्ती दे बूहे ते जा, जे तेनू उन्हें उदों खाली नहीं सी मोड़िया ते अज भी खाली नहीं मोड़ेगा। आप जाके दरवाजे ते दस्तक दी, इमाम अहमद बिन हंबल बाहर आया, फरमाया ओए बड़ा बेलज्जा निकले हैं, दुआ करा के पीछे परतिया भी नहीं, ये तोड़ो ही लड़ी लगी आउंदा, ये काम निकल जाए फिर नहीं पीछे परते, मौलवी नहीं आउंदे, फिर कोई बंदा नहीं आउंदा जी, तवज्जो करया जी। उन्हें क्या आ भाई हजूर गलती हो गई? फरमाया छड़ किधर आया? हजूर आप दी दुआ ने अल्लाह ती दीती सी जी, मैं कसम खा बैठा सा हर नेमत देख के टोरांगा, ते हजूर टोरन दा टाइम आया पल्ले ही कुछ नहीं रह गया। आपने सीने नाल लाया, फरमाया परेशान ना हो ती दा रिश्ता वे जब डोली चुकन लगेगा ना मैनू आवाज मार नहीं, मैं जाना ती जाने ते कसम जाने, फरमाया मैं जाना ती जाने थे कसम जाने। गौर दे नाल जरा सुनना, अज जेड़े लोग आंदे ने नहीं नहीं धीआं नूं कुरान हिफ्ज नहीं कराना चाहिए, मैं क्या ओदी की वजह है? वो अगे जाके मसरूफ हो जांदियां ने। मैं क्या ज़ारा पाक दी औलाद कोई नहीं सी? हाँ जिस ऐसे कारी बना के दिते, जिस ऐसे हाफिज बना के दिते, खुदा खौफी करया करो। जनाबे वाली जेड़े वेले घर आया बेटी नूं टोरन दा टाइम आया, एक बार जरा सारे उच्चा कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाली बेटी नु तोरन दा टाइम आया, बेटी नु डोली विच बिठा के जा
हुजूर मेरी बेटी डोली विच बैठ गई है, आप आ जाओ। इमाम अहमद बिन हंबल ने वुजू फरमाया ते वुजू फरमा के घरों निकले, आप दे हाथ दे अंदर कपड़ा है, कपड़े दे अंदर कोई चीज है, आप लैके लगे आउंदे ने। जड़े पहले ओदी बेटी दी डोली दे कोल आए, इमाम अहमद बिन हंबल ने आके अन करके डोली दा कपड़ा चुकिया, ओ केड़ा कपड़ा लैके आए सन, ओदी बेटी दी झोली दे च रख दिता। फरमाया लैती है कसम तेरे अब्बे चुकी है पूरी मैं कर चलिया। बाप कह लगा हुजूर ओ कीवे? फरमा तू कसम उठाई सी बेटी नु तोरन दा टाइम आएगा, मैं हर चीज दे के तोरांगा ते मैं कुरान लै आया। सुभान अल्लाह, मैं कुरान लै आया, कायनात दी हर नेमत एदे अंदर मौजूद है, जड़ी तू नहीं सदे सकदा ओ भी है। अरद की हजूर ए की होएगा? फरमा तेरी बेटी का ताल्लुक कुरान नाल होएगा, कुरान का ताल्लुक तेरी धी नाल होएगा। कयामत आ जाएगी किसे भी धी का तज़करा कितने होएगा, किसे भी धी का तज़करा कितने होएगा, लेकिन तेरी बेटी का ताल्लुक कुरान के नाल है, एदा जिक्र जदों नहीं होएगा। नारे तकबीर, मुझको हर ऐब से जुदा कर दे, मुझको हर ऐब से जुदा कर दे, दिल को कुरान खुदा कर दे, जिंदगी हो मेरी तेरी खातिर, दीन पर मुझको फिदा कर दे। दोनों के नारे तकबीर, नारे रिसाले, नारे तहकीक, नारे गौसिया। हजरत कुरान पाक की गल्ला जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन एक गल्ला नहीं खत्म हो सकती। कुरान पाक का बड़ा मकाम है कुरान। मेरे आका ने फरमाया जिस चमड़े विच कुरान होवे अग लग जाए तो उस चमड़े नू अग नहीं लगेगी। तो जे अजे भी हाफिज़े कुरान ते आलिमे दीन दी इज्जत समझ ना आवे तो फिर ओदी अपनी मर्जी तो दे मुकद्दर। जिस चमड़े विच कुरान होवे ओनू ते अग छेड़दी नहीं, ते जिस सीने विच कुरान होवे। नारे मारने बड़े सौखे ने, बड़े सौखे ने, नारे का जवाब देना बड़ा सौखा है। उन्होंने पूछो जिन्हें फटिया ते बह के टुटिया चटाइया ते बह के कुरान पढ़िया। बंदियां दी पूरी पूरी जिंदगी लंघ गई है। मैं बड़ी माफी तो बाद जुमला कहूंगा, बड़ी माफी तो बाद उफाद नूं उलमा नूं कढ़ के मैं इस मजमे दे विचों अगर मुंडे खड़े करा तो मैट्रिक वाले कई निकल आएंगे, एफ ए वाले, बी वाले, एम ए वाले कई निकल आएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज बनने वास्ते कई निकल आएंगे। लेकिन मैं अफसोस नाल कहन लगा कि शायद मैं पूरे मजमे चों पांच बंदे भी ऐसे ना कढ़ सकता जिन्हां नूं उत्तों वेख के सही कुरान आउंदा होवे। सही कुरान की मैं गल कर रहा, सही कुरान जिन्हां नूं उत्तों वेख के आउंदा होवे। नंबर मोबाइल का देना भी आ गया ते नंबर लेना भी आ गया। तो कुरान पाक की वारी पुछो ते आंदे ने ऐ कुरान खोल के सारी सारे ते बिस्मिल्ला पढ़ ली। मैं क्या वेखां जरा सारे कुरान ते बिस्मिल्ला लिखी है। मैं क्या अंग्रेज का बनाया पुरदा जिहड़ा उहदा नंबर लेना देना भी आ गया, एक कुरान रह गया जिहड़ा अजे तक ना पढ़ना पढ़ाना नहीं आया, एक कुरान पाक जिहड़ा नाजरा भी नहीं आया। तो दोस्तां ने अजीज, मैं सिर्फ यही कहना कि वजीर आजम का पुत्र होवे या सदर का या अमीर का या चौधरी का होवे, उन्हें बाहर दे मुल्क पढ़न जाना होवे ना तो टुर के एयरपोर्ट से जाना पवेगा ता जहाज मिलेगा। गल दी समझ भी आई कि कोई ना आई थी? चलो जिदा ए कि जहाज ओदे पूरे ते आएगा ओनू एयरपोर्ट ते, बोलो बोलो एयरपोर्ट ते जाना पवेगा, फिर जहाज ते सवार होएगा, फिर जाएगा। लेकिन खुदा दी कसम कुरान पढ़न वाले दी शान वेख, पुत्र भावे टोकरा चुकन वाले दा होवे, पुत्र भावे
टोकरा चुकन वाले दा होवे जदो कुरान पढ़न दी तैयारी करदा हुंदा है ना मदरसे आउण दी तैयारी करदा हुंदा है ओ घरों बाद विच निकलदा है फरिश्ते ओदे दरवाजे ते नूरी पर पहले विछा के खलोते हुंदे है ते किदे वास्ते नूरी पर विछा के खलोते ने जिहड़ा पढ़न आउण लगा है नहीं समझ आई जिन समझ आवे ईमानदारी नाल दो बारी सुभान अल्लाह कह के जवाब देना नहीं सुन लो जिहड़ा पढ़न आउण लगा है ओदी इतनी शान है ते जिहड़ा घरों पढ़ाण आउण लगा है फिर कह दो सुभान अल्लाह जे शागिर्द दी इतनी शान है ते उस्ताद दा कितना मकाम होवेगा आओ अपना रिश्ता कुरान दे नाल जोड़ो मेरे आका ने फरमाया जेड़ा उस सुबह उठ के सूरह यासीन दी तिलावत दे नाल अपना आगाज करेगा पूरा दिन सूरह यासीन ओदी हिफाजत करेगी जेड़ा रात सौण लगिया सूरह मुल्क दी तिलावत करके सोवेगा सूरह मुल्क ओदी कबर च हिफाजत करेगी कुरान दी एक एक सूरत दुनिया और कबर दे अंदर हिफाजत भी कर दी है ते जिदे ते कुरान नाजल होया उम्मती दी हिफाजत क्यों नहीं कर सकता मैं किबला कारी साजिद महमूद साहब जामे मस्जिद इंतजामिया दा शुक्रिया अदा करना जनाबे भाई मोहम्मद फैसल साहब दा उन्हां दी पूरी टीम दा शुक्रिया अदा करना हुफाज़े किराम जिन्हां ने खत्म कुरान कीता मुबारकबाद पेश करना जिन्हां बच्चों की दस्तारे फजीलत है उन्हां दे वालदैन नूं भी असातिज़ा नूं भी मुबारकबाद पेश करना अल्लाह मेरी और आपकी हाजरी कबूल फरमाए बरादरे मुकर्रम ने साउंड बड़ी मोहब्बत दे नाल ऑपरेट फरमाया अल्लाह करीम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।